बाबे हैं मेरे। था पाक वतन का सरमाया कुर्बान ज़ियाउल हक तुझ पर क्या रुतबा शहादत का पाया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उम्मीद हमारी तोड़ गया। शहीद सदर की जिंदगी का आखिरी दिन 17 अगस्त सन 1988 इसी वजह से उनको हम लोग कभी कभी बल्कि कभी कभी नहीं आम लोग फौजी जितने भी हैं जब तक मेजर साहब उस वक्त इसको मौलवी बोलते थे तो मेजर से ऊपर हो गया तो उसको हम बाबा बोलते थे। तो एक दिन रात को 12 बजे मैं सोया हुआ था तो मुझे टेलीफोन किया प्रेसिडेंट साहब ने कि सर्दियों का मौसम था छोटी छोटी बारिश लगी थी कि थोड़ा काम है ज़रा मैं आया तो बोलते वो रज़ाइयाँ तुम्हारे पास है तो सर्दियों से पहले रज़ाइयाँ अपनी जेब से खर्च कर अपनी जेब से चेक लिख के मुझे देते थे। फिर वहाँ पर उनसे यानी डायरेक्ट ताल्लुक हो गया उनके साथ बातचीत करने का आने जाने का एज ए क्वार्टर मास्टर के। फिर तीसरी दफ़ा जिस वक्त वो पिंडी में आ गए यहाँ पर उनसे बिल्कुल क्लोज ताल्लुक उनके साथ यानी एज ए खिदमत के लिए मुझे डिटेल किया उनके साथ मुलाकात। नाज़रीन कुछ अफराद ऐसे थे जिन्होंने शहीद सदर को बड़े करीब से देखा ज़ाती ज़िंदगी में ज़ाती मामलात में और पेशवराना ज़िंदगी में भी। कैप्टन पीर मोहम्मद पहली मुलाकात उनसे जी सन 1948 में जिस वक्त कायद आज़म का वहाँ पर जलसा था हमारे एसी सेंटर मुशरे उस वक्त उनकी मुलाकात हुई थी। अमर अंगूर थे और वो एजुटेंट थे हमारे। बाद में जिस वक्त मिले साहब हाथ मिलाया तो मैं तकरीबन उनसे उम्र में छोटा नज़र आता था बोलते हैं यार आपको तो होना चाहिए हमारे साथ बॉयज़ विंग वो बॉयज़ विंग में चले गए। पर ये पहली मुलाकात उनके साथ हुई। फिर दोबारा वो 1951 में हमारी यूनिट में चले गए थे गाइड कैवलरी में क्वाट में। फिर वहाँ पर उनसे यानी डायरेक्ट ताल्लुक हो गया उनके साथ बातचीत करने का आने जाने का एज ए क्वाट मास्टर के। फिर तीसरी दफ़ा जिस वक्त वो पिंडी में आ गए यहाँ पर उनसे बिल्कुल क्लोज ताल्लुक उनके साथ यानी एज ए खिदमत के लिए मुझे डिटेल किया गया उनके साथ मुलाकात। उनके बीच में जो चीज़ मैंने सबसे पहले देखी 48 में और इस वक्त जब सदर बन गए उस वक्त भी ये चीज़ उस वक्त में और इस वक्त में यानी उनके खाने में पहनने में बात में किसी चीज़ में मैंने एक सरसाई का भी फ़र्क महसूस नहीं किया। लेकिन मैंने अपने आप यानी तजर्बा ये किया है कि एक आदमी की कुदरती आदत जो होती है वो किसी एक नमाज की इनकी ख़ानदान की शायद आप लोगों में से कोई अगर वाकफ़ है एक वो तो खैर नमाजी बेसाबे आज से ज़्यादा हैं लेकिन उनके ख़ानदान के बीच मैंने उनका वालद साहब देखा है भाई देखी है वालदा देखी है बाकी सारे कुमार देखे हैं लेकिन नमाज के सब पाबंद हैं जितने भी हैं। इसी वजह से उनको हम लोग कभी कभी बल्कि कभी कभी नहीं आम लोग फौजी जितने भी हैं जब तक मेजर साहब उस वक्त इसको मौलवी बोलते थे तो मेजर से ऊपर हो गया तो उसको हम बाबा बोलते थे ये हमारा बाबा है। तो सदर के ज़माने में जिस वक्त उनमें उस वक्त भी कई एक दफ़ा गुस्सा डायरेक्ट अलग था कई काम था 100 आदमी मेरे अंदर काम करते थे तो गुस्सा कभी भी अगर उनने किया तो सिर्फ इसी बात से कि
किसी अगर मैंने डांट दिया किसी को वो कर दिया, बोलते यार मैंने तेरे को कभी डांटा है, तुम इनको मत डांटा। तो एक दिन रात को 12 बजे मैं सोया हुआ था तो मुझे टेलीफोन किया प्रेसिडेंट साहब ने कि सर्दियों का मौसम था, छोटी छोटी बारिश लगी थी कि थोड़ा काम है ज़रा। मैं आया तो बोलते वो रजाइयाँ तुम्हारे पास है, तो सर्दियों से पहले रजाइयाँ अपनी जेब से खर्च कर अपनी जेब से चेक लिख के मुझे देते थे कि रजाइयाँ ले आकर रखो गरीबों के लिए। 12 बजे छोटी छोटी बारिश लगी है, गाड़ी मंगाई, बोलते चलो गाड़ी खुद चलाई है, ड्राइविंग की है, साथ में गया हूँ, पौड़ियों के पुल पर गए हैं तो वो कोई 10-12 रजाइयाँ जितनी अपने हाथ से उठाते रहे उनके ऊपर डालते वापस आए, यानी कि अकेले सदर होते हुए सदर के जमाने में। शहीद सदर की जिंदगी का आखिरी दिन 17 अगस्त सन 1988। Thank you, sir.